उल्टा लेट जाइए, मैं तो पीछे कहीं लेटा हूँ। क्यों बड़ी ठंडी है भैया। क्यों रे, कहाँ गया था? वो मालकिन आपकी बहन के घर गया था, आपकी बहन ने बुलाया था ना। किस लिए? हाँ मालकिन किस तो 7-8 बार लिए और 2 बार तो घटा भी किया दबा के। आराम ज्यादा, तभी तो कहूँ कितना हीरो बन के वहाँ कहाँ जा रहा है। मालकिन अब मैं क्या करूँ, आपकी बहन ने बुलाया, कम से कम आपकी तरह निर्दयी तो नहीं है, अच्छी तो है, कम से कम इतनी ठंडी में मुझे दिया तो सही। हराम ज्यादा दोबारा पहुँच न जाना मेरी बहन के यहाँ। तो मालकिन आप ये बात अपनी बहन को बोलो ना, उसको भी तो चाहिए था, तभी तो बुलाई थी। बहन के यहाँ पहुँच जाना। कितना बदतमीज हो गया है। अब इसको करने को बदतमीजी थोड़ी बोलते हैं। ठंडी थी, उसको भी ठंडी लग रही थी, मुझे भी ठंडी लग रही थी, तो कर ली उसने क्या। नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते देवर जी। और देवर जी कैसे हैं? बस भाभी जी साहब बढ़िया है, आप लोगों की दुआ है। अरे वाह, कैसे घूम पड़े आज? बस ऐसे निकल रहा है कि सोचा आपसे मिलते चले। चलिए, रामू नहीं नहीं बढ़िया दूध निकलवा के मस्त चाय पिलवाती है आपको। अरे भाभी जी, जरूरी है कि हर बार रामू ही दूध निकाले? हम भी निकाल सकते हैं, लाइए निकाले। कितने बदतमीज हो गए हैं आप, मैं भैंस की दूध निकलवाने की बात कर रही थी। अच्छा, अरे तो भाभी जी कंजूसी की भी हद होती है, जरूरी है कि यार इतने से दूध के लिए आप भैंस का फिगर खराब करो, कभी कभी अपने दूध की पिला दिया करो। आप ना हमारे घर मत आया करिए। लो लो, इसमें मैंने क्या बुरा कह दिया? आपके बारे में सुना था, लेकिन आज आंखों से देख लिया, सुन लिया कि कितने छिनरा हो तुम। भाभी जी, इसमें दूध निकालने में कोई छिनरा हो जाता है गाय जी? तो फिर आपका राम छिनरों का बाप है साला, डेली भैंस की दवा दवा के निकालता है। चलिए ठीक है, हम चल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते, अपने पिछवाड़े में डालो, तुरंत निकलो इधर से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना इधर। ठीक है, नहीं दिखाएंगे, दिखाने लायक थोड़ी ना, लाल लाल तो हो गया होगा। इतनी बातें तो जमाना किया है, तुम लेके घूमता है, घूमेगा? नहीं नहीं चलेंगे, नहीं ले चलेंगे। अब दोबारा देख न लूं? ठीक ठीक, मैं काट के फेंक दूंगी। ठीक ठीक, मैं ले चलूंगा। अरे क्या हो गया, मार किता है, मार दी बच्चे को। क्या बताओ रे तुझे रामू, इतनी छोटी सी उम्र में साला कंडोम डाल के घूम रहा है जेब में दो दो। अच्छा तो मालकिन सही तो कर रहा है, आप क्या चाहते हैं कि इतनी उम्र में बाप बन जाए, आपको दादी बना दे? आराम जादे, तू ना मुझे ध्यान न दे, निकल घर से। अल्लो मालकिन सही तो कह रहा हूँ, कंडोम का इस्तेमाल तो करना चाहिए, नहीं तो बाप नहीं बन जाएगा, करने नहीं कर देगा लड़की को। हराम जादे, मुझे लगता है कि तूने ही सब ये सिखाया है, तेरे ही लक्षण ये कर रहा है। दोबारा मैंने देख लिया, तुझे काट के नाला में बवा दूंगी। ठीक है ठीक है, काट दूंगी मुंह तेरा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, मेरे 2000 रुपए दीजिए। किस बात के 2000 रुपए, और क्या हुआ? मैंने आपके यहाँ से नसबंदी कराई थी ना अपनी। हाँ तो नसबंदी फेल हो गई आपकी, मेरी बीबी की तरफ फिर से बच्चा आ गया, पैसे दीजिए मेरे। अरे हराम जादे, मैंने सिर्फ तेरी नसबंदी की थी, तेरे पूरे मोहल्ले की नहीं। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, इसका मतलब मेरी बीबी वो है सबसे करवाती है? क्या के अपनी बीबी से पूछ, मुझसे नहीं। पूरे मोहल्ले को देती फिरती है, मैंने नसबंदी करा ली, अब फिर से आ गया बच्चा, पता नहीं किस हरामी का होगा। जाके बीबी से पूछ, जाके हल्ला मत मचाओ, से लोग आ जाते हैं। नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते देवर जी। और देवर जी कैसे हैं आप? बस भाभी जी सब बढ़िया, दया है आपकी। अरे वाह, कैसे घूम पड़े आज? बस भाभी जी यहीं से निकल रहे थे, सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देवर जी, चाय लेंगे कॉफी? अरे नहीं भाभी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं देवर जी, आप मेरे यहाँ पहली बार आए हैं और कुछ लेना तो पड़ेगा। अच्छा, कुछ लेना पड़ेगा। चलिए भाभी जी, अगर आप इतना जिद कर रही हैं तो फिर उल्टा ले जाइए, मैं तो पीछे कहीं लेता हूँ। राम जादे, आज के बाद मेरे घर मत आ जाना, मैं तुम्हारी तीनों टांगे काट के फेंक दूंगी। भाभी जी लेकिन मेरी तो 2 ही टांगे हैं। ये जो बीच में लटका के घूम रहे हो ना, इस वाली टांग की बात कर रही हूँ। अरे भाभी जी कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी तो आप कह रहे थे कुछ लेना पड़ेगा, अब मांग रहा हूँ तो दे नहीं रही है। मैंने सुना था कि आप इतने अश्लील हैं, आज अपने कानों से भी सुन लिया यहाँ। दोबारा मेरे घर मत आना, निकलिए इधर से। ठीक है, नमस्ते।
नमस्ते, अपने पिछवाड़े में डालो, थोड़ा निकलो। अरे मालकिन, क्या हो गया? इतना बुरा मुंह क्यों बनाए हो? क्या बताऊं ने रामू, बताओ। गई थी डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी चेक कराने, इस बार भी प्रेग्नेंट नहीं निकली, इस बार भी गैस की ही प्रॉब्लम निकली। अरे ये मालकिन, आप हर बार आपको गैस की ही प्रॉब्लम होती है। मुझे तो साला ये समझ में नहीं आता कि मालिक के पास औजार है कि सीएनजी पंप, हर बार आपको गैस भर के लोड कर देते हैं। सही से नहीं काम करता क्या मालिक? हराम ज़्यादा, मैं यहाँ इतनी टेंशन में बैठी हूँ, तुझे मजाक लग रहा है? मजाक क्या मालकिन, एक बार मुझे मौका दो। जा रहा हूँ, भोगो ऐसी गैस की प्रॉब्लम, पाती रहो।